अरे सुमित भैया, रात को जो छोले भटूरे खाए तो उनको खाकर तो मजा ही आ गया। अबे पागल, उनके अंदर कोई नशे की गोली मिला रखी थी जो नशा हो गया, बारिश हो गए। अरे सुमित भैया चलो घर पहुंच गए, मेरे को नहाना है। पता है रात को कितनी चटनी फैल गई मेरे कपड़ों पर। अबे तूने पर उसको भी चाट चाट के साफ कर दिया सिंचन। अरे सुमित भैया यार, वो चटनी इतनी मस्त थी ना मोमोज की, तो क्या ही बताऊं तुम्हें, एकदम मजा आ गया। हाँ बात तो तेरी सही है यार, वो मोमोज की चटनी भी मस्त थी। सुमित भैया कल परसों फिर चलेंगे, पागल है क्या, दस्त लग जाएंगे डेली डेली तो। ओए चुप, क्या ले आओ सुमित, तू ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर क्या कर रहा है मतलब, अभी आया ही तू बाहर से, आओ रात को तो आ गया था तू। रात को? मैं रात को आया ही नहीं पगलेट। आओ आया तो था यार, तूने बोला यार तू जाके सो भी गया। क्या बात कर रहा है, कौन आया था रात को? आओ मुझे तो लगा तू ही आया है, इसलिए मैंने उठ के देखा नहीं, वो अंदर तो है कोई ना कोई, मेरे को लगा तू ही सो रहा है। पागल है क्या, कौन आ गया? अब तू कैसा कुत्ता है यार, देख तो लिया कर। आओ मेरे ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, खुद जाके देख ले कौन आया है। पता नहीं पागल, रात को तो घर आया था तू। गाइस यार ये चोप भी पगलेट है सही में। अरे सुमित भैया कौन आ गया? मुझे क्या पता कौन आ गया, रुक अभी जाके देखता हूँ। आओ देखिए कौन शोम प्यारी। ओए एक सेकंड, ओए मैं इस ड्रेस को जानता हूँ यार, जो इस बंदे ने पहन रखी है। यहाँ पर एक बंदा सो रहा है। ओए सिंचन, ये तो क्रिमिनल है भाई। अरे सुमित भैया धीरे बोलो फिर। अबे भाई ये तो क्रिमिनल है यार, ये असल में जेल में से भाग के आया है। जेल के अंदर देखो यार यही कपड़े पहनाए जाते हैं। सुमित भैया इसको उठा के पूछूंगा क्यों आया यहाँ पर। अबे पागल है क्या, पता कितना बड़ा क्रिमिनल, उठाइयो मत उसको। अभी रुक जाओ यार, मैं बिना कोई दिक्कत लिए जल्दी से यार पुलिस को फोन मिला के बोल देता हूँ। आओ कौन है? अब चुप रह चुप बच्चे। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ पर यार जल्दी से आओ, मेरे घर में क्रिमिनल आ चुका है, पता नहीं जेल तोड़ के भाग के आया, कहाँ से भाग के आया है। अरे सुमित भैया चलो उसके साथ दिल्ली डांडिया खेलते हैं। अबे सिंचन चुप रह यार, क्या पता कितना बड़ा क्रिमिनल हो। सर जल्दी आ जाइए आप, इससे पहले कि उठ जाए और भाग जाए, मेरा घर का पता मैं आपको भेज रहा हूँ 2 मिनट में। सर जल्दी आइए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अरे जल्दी चलो जल्दी चलो, यहीं से कॉल आई थी, हमें उस क्रिमिनल को पकड़ना पड़ेगा, ये वही क्रिमिनल जो रात को भगा था। अरे तुम ही हो क्या सुमित, जिसने फोन मिलाया था? हाँ हाँ सर मैं यूं, मैं यूं। अरे कहाँ पर है वो क्रिमिनल? वो सर क्रिमिनल अंदर है, मेरे बेड के ऊपर सो रहा है। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हारे घर में है? अरे सर एक्चुअली मैं रात को बाहर गया उड़ा था, अब मैं घर पर आया हूँ, मेरे कुत्ते ने बताया कि कोई मेरे घर में घुस चुका है। अरे वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कल रात को जेल तोड़ के भागा था, हमने बहुत ढूंढा इसलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वो तुम्हारे घर में आके छुप गया था। आओ रट्टी लाल देखते अंदर जाके। हाँ सर आ रहा हूँ आपके पीछे ही हूँ मैं। इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी बैंड बजा देंगे इस क्रिमिनल की। अबे भाई साहब घर तो काफी ज्यादा बड़ा है इस आदमी का, चलो देखता हूँ। अरे यहाँ पर है तो नहीं। अरे चाय पियो। अरे कौन बच्चा पागल सा? अरे सर कौन है? चलो नींद पूरी हो गई, जल्दी से निकलता हूँ इससे पहले यहाँ का घर का मालिक आ जाए। अरे एक सेकंड, ये परछाई किसके दिख रही है? है ये क्या, ये तो कोई बच्चा है, लगता है इसने मेरे को देख लिया है। मेरे को जल्दी जाके इस बच्चे को मारना पड़ेगा इससे पहले कि ये पुलिस को फोन मिला दे। बच्चे तू तो गया, तू तो गया बच्चे। चाय पियो अयले। अरे कौन है, किसको चाय पीनी है, मांग लो ना फिर। है बच्चे छोड़ूंगा नहीं तेरे को। अरे सुमित भैया ये जग गया, मारो इसको घेर घेर के, मेरे को चढ़ने का नहीं। अरे ये तो जग चुका है, हमें इसको जल्दी से पकड़ना पड़ेगा। अरे अपने हाथ ऊपर करो, अगर थोड़ी सी भी होशियारी करी तो गोली मार दूंगा। रुको रुको, गोली मत मारना, गोली मत मारना। अरे तेरी ऐसी तैसी, चल चल चल। अरे अब बोल चाय पिएगा? अरे चाय पिएगा क्या? अरे बच्चे इससे दूर हो जाए, बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। अरे ठीक है अंकल, टक लो अंकल। ओके गाइस यार थोड़ी अल्लाह उल्ला हो रही है, शायद मेरे हिसाब से वो जो कैदी है वो जाग चुका है और बस पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया हो यार। और सिंचन का बच्चा पता नहीं अंदर क्या कर रहा, उसको मना किया था अंदर मत रहियो। आओ कौन है? अब चुप चुप रहे ना, कहाँ गया चुप, कहाँ से बोल रहे हैं? ओए सुमित भैया ये देखो पकड़ लिया इसको हमने, टकले अंकल ने। ओके तो गाइस यार हमने फाइनली क्रिमिनल को पकड़ लिया है। तेरी ऐसी तेजी, मेरा घर में घुस गया, मेरे बेड के ऊपर सो रहा, तेनु छोड़ूंगा नहीं। अरे सुमित भैया गोली मारो इसका। मेरे पास कौन सी बंदूक है? अरे मेरे को मारना मत नहीं प्लीज, मारना मत मेरे को। अरे ठीक है मार नहीं रहे, मेरे को तो बस पुलिस से पकड़वाना था, तेरे को पकड़ लिया। और रात को भगा कैसे था तू ऐसे? अरे इससे हम ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, अगर थोड़ी देर हमने इसको ऐसे खुला छोड़ दिया तो क्या पता ये फिर से भग जाए। अरे सर तो करना क्या है? करना ये सिंपली, हम इसको उठा के जेल में फेंकेंगे। अब चलो यार इसको जेल में फेंक के आते हैं भाई साहब। अरे कांग्रेचुलेशन सर, आपका तो प्रमोशन होगा।
अरे सुमित भैया यार, ये क्या प्रमोशन की बात चल रही है? भाई पता नहीं मेरे को कौन सी प्रमोशन की बात चल रही, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी वजह से आज एक क्रिमिनल पकड़ा गया यार। सुनचन मजा आ गया। अरे सर मैं तो बोलता हूँ कि सुमित को हमें कोई इनाम देना चाहिए। हैं इनाम? कैसा इनाम? अरे तुम्हें इनाम तो जरूर मिलेगा, तुमने पता है कितने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़वाया है? अरे सर वो तो मेरे पास घर में आके सो गया था, इसमें मैंने क्या पकड़वाया है? अरे तुम चाहते थे उसको साथ दे सकते थे और उसको छुपा सकते थे, पर तुमने अच्छे नागरिक होते हुए हमारे पास फोन मिलाया, इसलिए हम तुझे इनाम देंगे। इनाम? कैसा इनाम मिलेगा मेरे को? इनाम तुम्हें बताएंगे पुलिस स्टेशन पहुँच के। अच्छा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा उसके लिए? सर मेरे को थाने वाने में जाना अच्छा नहीं लगता। अरे तो हम तुम्हें थोड़ी थाने में लेके जा रहे हैं, इनाम देंगे तुम्हें पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाके। अरे सुमित भैया जल्दी जाओ, क्या पता ब्रेड पकौड़े मिल जाए। अब हमें यार सिंजन ब्रेड पकौड़े मिलेंगे वहाँ पर। अरे चलो इस क्रिमिनल को लेके चलते हैं। अरे सुमित भैया मैं भी चलूँ क्या? अब नहीं नहीं तू रहने दे। अरे वाह यार इसका घर तो काफी बड़ा है, मस्त है यार, अमीर आदमी लगता है। अरे हम अमीर ना, मेरे पापा ने खरीद के दियो तो कई वक्त अमीर थे। अरे चलो चलो जल्दी बैठो। अरे हाँ रुको तो इस क्रिमिनल के लिए तो रुक जाओ, अगर ये भाग गया तो। अरे चल क्रिमिनल के बच्चे चुपचाप बैठ जाओ। हाँ मैं चुपचाप ही बैठूंगा। हाँ मैं भी बैठता हूँ। अरे अरे तुम कहाँ बैठोगे? मैं इसके पास तो बैठूंगा नहीं, बिल्कुल मैं आगे बैठूंगा। अरे ठीक है मैं इसके साइड में बैठ जाता हूँ, अगर इसने होशियारी की तो इसकी गोली बजा दूंगा। अरे चलो चलते अब जल्दी सी। सुमित भैया ब्रेड पकौड़े लेके आना। बच्चे पर है ना सिंचन, बच्चे ब्रेड पकौड़े लेके आना। हाँ तो गाइस यार अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़े जाके पता लगेगा कि भाई साहब मेरे को क्या इनाम मिलने वालों, मजा आ जाओ भाई, बिल्कुल सिस्टम पैट दांगे। अरे चलो चलो इनाम तो मिलेगा तुम्हें अच्छा वाला। अब तेरी ऐसे ऐसी हिल क्यों रहा है इतना? इसको अभी बताता हूँ, इसके मुंह पे मारता हूँ थप्पड़। ये ले, बहुत हिल रहा है, ये ले ये ले ये ले। ओके तो गाइस यार जो क्रिमिनल हमारे साथ था उसके ढंग से कुटाई कर दिया यार हमने, सही बता रहे हैं। ये क्या हो रखा है? अरे ये क्या हो गया हमारे पुलिस स्टेशन को? अरे क्या हो रखा है ये? अरे सर किसी ने हमारे पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया, हमारे बहुत सारे पुलिस कर्मी मर चुके हैं सर। अरे ये आखिर हुआ कैसे? अरे सर मुझे नहीं पता, हम तो नाइट ड्यूटी पे थे ही नहीं, जो नाइट ड्यूटी पे तो सारे मर गए। अरे ये क्या? इंस्पेक्टर पट्टू, इंस्पेक्टर चट्टी, अरे यहाँ पर तो सारे इंस्पेक्टर मर गए। ओ नो नो नो, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। अब ओए मेरे को पक्का लगता है ये तेरा काम है। नहीं 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 मेरा काम नहीं है ये। किसका काम है फिर ये? अरे मेरे को क्या पता, मेरे को लगता है तेरी गैंग के लोगों का काम होगा, क्योंकि उनको पता लग गया होगा कि हमने तुझे पकड़ लिया। बता बता। अरे मेरा काम नहीं है मैंने बोला ना। अरे अब करें क्या हम? आखिर हमारा पूरा पुलिस स्टेशन तबाह हो गया, अब हम कहाँ से ऑपरेट करेंगे? अगर ऐसे ही रहा तो लॉस सैंटोस के अंदर क्राइम रेट बढ़ जाएगा, क्या करें हम? अरे भाई सब सही कह रहे हो। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, कोई भी हम ऑपरेट जरूर करेंगे। लेकिन सर पुलिस स्टेशन तो है ही नहीं। पुलिस स्टेशन नहीं है तो क्या हुआ, हम असल में सुमित के घर पर जाएंगे। क्या मेरे घर पर? हाँ सुमित हमने देखा तेरा घर बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम आसानी से तेरे घर को पुलिस स्टेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स तेरे घर में रह लेगी जब तक नया पुलिस स्टेशन नहीं बनता। अरे सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे टेंशन मत लो, अगर तुम ऐसा हमारे साथ देते हो तो तुम्हें हमें काफी अच्छा इनाम देंगे। ओह इनाम मिलेगा? हाँ इनाम मिलेगा, और ऊपर से तुम्हारा पहले इनाम रह रहा है हमारे पास, तो हम वो भी देंगे और साथ में और बड़ा इनाम भी देंगे। ओके ओके सर ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसे ही करेंगे। अरे शुक्रिया सुमित तुमने हमारी बात मान ली। अरे चलो हमें कम से कम रहने के लिए नई जगह तो मिल गई। हाँ मैडम जी कोई बात नहीं, हमने नई जगह पर जाना है और तबाही मचाना है। हम क्यों तबाही मचाएंगे? अरे मतलब यार तबाही नहीं मचाएंगे, कहने का मतलब रहेंगे। चलो भाई सब बैठो बैठो जल्दी बैठो सारे के सारे। फिर तो गाइस यार अभी जितने भी पुलिस टीम है ना वो सब रहने वाली है मेरे घर पर जाके, क्योंकि भाई यहाँ पर इनका पुलिस स्टेशन तो तबाह हो चुका है, और भाई साहब मेरे पास कोई क्लू नहीं है आखिर ये सब किया किसने, पर हम लोग बहुत जल्दी पता निकाल लेंगे। अरे ये तो बिल्कुल पुलिस वाले की तरह सोचते हैं। अरे सुमित यार तुम भी पुलिस को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? अरे सर मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को ज्वाइन करने में। अरे बहुत सारी सुपर पावर्स आ जाएगी तुम्हारे पास फिर। कैसी सुपर पावर्स? ऐसे क्या हवा में उड़ पाऊंगा मैं? अरे नहीं नहीं अबे यार तुम लोग बताओ यार क्या मुझे पुलिस को ज्वाइन करना चाहिए? अरे दोस्तों हाँ कर दो, ये पुलिस को ज्वाइन कर लेगा तो मजा आ जाएगा। हाँ वो मेरे दोस्त बताएंगे कि मेरे को पुलिस को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलो अभी हम लोग घर चलते हैं, वहाँ जाके बाकी चीजें स्ट्रेटेजी करेंगे। ओके तो गाइस यार बस हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। अरे मैंने तो छोले भटूरे भी ले लिए हैं। छोले भटूरे? अरे यार ब्रेड पकौड़े मिले नहीं ना। अच्छा अच्छा सिंचन के लिए। हाँ अरे हम लोग एक काम करेंगे, ये जो तुम्हारा शटर है ना इसको जेल बना देंगे। अरे हाँ ये काफी सही रहेगा, इस शटर को मटा देंगे यहाँ पर हम लोग जेल बना देंगे कैदियों के लिए। तो गाइस यार यहाँ पर सिंचन से वैसे मैंने पूछा नहीं है कि यार मैं पुलिस वाले को अपने घर में रखने वाला हूँ, देखते क्या करता है ये। अरे सुमित भैया चौपने टट्टी मार दी। टट्टी मार दी? आओ मतलब टट्टी काट रही, अब तुम लोग पागल हो। अरे सुमित भैया ये पुलिस वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हेलो मैडम जी। कितने क्यूट बच्चे। अरे कुत्ता किसका है? रुक जा रुक जा। अरे मेरा ही कुत्ता वो।
अरे सुमित भैया ये यहाँ क्यों आए हैं? अब सिंचन यार इनका पुलिस स्टेशन तबाह हो गया, इसलिए ये लोग यहाँ पर रहेंगे। अब क्या बात कर रहे हो सुमित भैया, भाड़ा कौन देगा? अरे मैडम जी आप इस बच्चे को देख लीजिए ना। अरे हम आपके घर में रह नहीं सकते सिंचन जी। अरे हाँ बिल्कुल रहियो दीदी, आप रहोगी तो मैं पूरा घर आपके नाम करा दूंगा दीदी, आप यहीं पर रहना बस मेरे साथ मेरी जिंदगी में। अरे सिंचन बड़ा बावली पूछ आदमी यार तू। अरे अरे चलो हमें काम करना चाहिए, हमें पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाना है ना। हाँ सर जैसा आपको सही लगे। और वैसे आपको ये कैसे पता लगेगा कि आखिर हमारे ऊपर हमला किसने किया है, मतलब हमारे पुलिस स्टेशन को किसने तबाह किया लॉस सैंटोस के? अरे बहुत जल्द पता लग जाएगा, तुम टेंशन मत लो। इंस्पेक्टर जाओ, तुम जाके सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दो। हाँ सर जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, जय हिंद जय भारत। अरे सर अरे इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी, पर सुमित तुम्हारा एक और बार फिर से शुक्रिया यार, तुमने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। पर तुम्हें एक छोटी सी मदद और कर दो यार। हमारी कैसी मदद? अरे यार एक्चुअली हमें एक गाड़ी मॉडिफाई करने के लिए दे रखी थी, वो गाड़ी तुम्हें लानी पड़ेगी। कैसी गाड़ी? अरे वो असल में पुलिस टास्क की सबसे पावरफुल और सबसे तेज भागने वाली गाड़ी है, प्लीज ले आओ उसे। कोई बात नहीं मैं ले आऊंगा। तो गाइस यार मेरे को भी एक गाड़ी लेके आनी है पुलिस टास्क फोर्स की, ठीक है? और वो असल में एक सुपर कार होने वाली है जो कि बहुत ज्यादा तेज दौड़ती होगी। और बाकी चीजें पुलिस वाले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं खुद समझ गया था, क्योंकि ये लोग जा नहीं सकते वहां पर, क्योंकि यार पुलिस वालों के ऊपर पहले अटैक हो रहे हैं। अगर पुलिस वाले वहां पर जाते तो समझ लेना वहां पर इनको पर अटैक हो जाएगा और पुलिस वाले मर जाएंगे। पर मैं कोई पुलिस में नहीं हूं और ना ही मेरे को कोई जानता है, इसलिए मैं वो गाड़ी इजीली लेके आ सकता हूं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस गाड़ी को लेने के लिए और देखते हैं यार आखिर पुलिस वालों ने कौन सी गाड़ी मॉडिफाई करवाई होगी। और यार पुलिस वालों के पास तो बहुत सारा पैसा है, तो सोचो कोई कमाल की गाड़ी होगी बिल्कुल खतरनाक तरीके की। चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी चलता हूं, लोकेशन मेरे को दे दिए, असल में यहां से थोड़ी दूर नॉर्थ साइड पे वहां पर मिलेगी मेरे को वो गाड़ी। चलो चलते हैं। तो गाइस यार बस हम लोग पहुंचने वाले और मेरे को भी न्यूज़ आई है कि असल में यहाँ पर और गैंग मेंबर्स हैं जो असल में उस गाड़ी के पीछे पड़े हैं। ओके देखता हूँ। ओए एक सेकंड, ये तो कोई गैंग की गाड़ी लगती है मेरे को। ओ भाई अरे ये किसकी गाड़ी है, मस्त काफी ज्यादा यार। इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अबे भाई धीरे क्यों बोल रहा है इतना तू? अरे वो गैंग के मेंबर्स हैं यहाँ पर ही, अंदर तुम अंदर जाना और चुपचाप से वो गाड़ी लेके बाहर भाग जाना। अगर गैंग के मेंबर्स को पता लगा कि मैंने तुम्हारे लिए मतलब पुलिस वालों के लिए गाड़ी बनाई है तो वो लोग मेरी फैमिली को मार डालेंगे और मेरे को भी मार डालेंगे। हाँ तू टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और कहाँ पर है वो अभी? अरे वो दूसरी साइड है अभी, जो ये है ना उसके दूसरी साइड। ओके ठीक है ठीक है, शोरूम के पीछे साइड है मतलब, है ना? अरे शोरूम नहीं है ये, गैराज है मेरा। हाँ ठीक है चलो गाइस यार हमें पता लग चुका है कि जो गैंग के मेंबर्स हैं ना वो उस साइड है, इससे पहले कि वो मेरे पीछे पड़े मेरे को यहाँ से जल्दी इस गाड़ी लेके भागना है। अब गाड़ी कहाँ पर है देख तो जाए ब्रो। भाई ये देखो ये तो लैम्बोर्गिनी है ब्रो, लैम्बोर्गिनी। ओ भाई साहब क्या खतरनाक वाली सुपर कार है यार ये तो, भाई पुलिस वालों की चॉइस एक नंबर की है यार। और ये गाड़ी अब तुम्हारा भाई चलाएगा यार, मजा आएगा लैम्बोर्गिनी चलाने में। भाई चल दे निकल ले चल दे इससे पहले आ जाए वो लोग। हाँ ठीक है अब तो मेरे को वो पकड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड जो इतनी होने वाली है। देखो भाई क्या स्पीड है इस गाड़ी की, इतनी जल्दी 250 पहुंच गई भाई, कमाल की गाड़ी भाई, मजा आ रहा है इसको चलाने में। तो चलो गाइस यार अब जल्दी से घर पर पहुंचते और जाके डिलीवर करता हूँ गाड़ी को भाई। तो गाइस यार घर पहुंचने में मेरे को लगा लास्ट 10 मिनट्स, वरना मेरे को आधा घंटा लग जाता है, सोचो कितनी तेज गाड़ी है। ओ तेरी जय, पूरी पुलिस फोर्स आ चुकी है हमारे घर पर। अरे समझ भैया मजा आ गया सही में, इतने सारे लोग आ गए अपने घर पर, चाउमीन खाओगे क्या? अब सिंचन तेरे पास काम धंधा नहीं है क्या? अरे सुमित तुम ही हो ना? हाँ सर मैं ही हूँ। अरे मैं असल में यहाँ का सबसे हाईएस्ट रैंक वाला ऑफिसर हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना यार, तुम तो काफी अच्छे आदमी, तो मैंने सोचा है कि हम तुम्हारे लिए छोटा सा काम करें और तुम हम में शामिल हो जाओ। मतलब सर? अरे हम चाहते हैं कि तुम्हारा जैसा बहादुर आदमी पुलिस के अंदर हो, जिससे हमारी काफी ज्यादा हेल्प होगी। मतलब आप कह रहे कि मैं पुलिस को ज्वाइन कर लूं? हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। ओ तो गाइस यार जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था और आप में से काफी लोगों ने बोला है कि मेरे को पुलिस को ज्वाइन करना चाहिए, तो तुम्हारा भाई आज पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाला है। और ऊपर से इतना कमाल का सबको सिस्टम है भाई, मजा आ रहा है देखने में यार, कितना कमाल लग रहा है तुम्हारा भाई का घर। अरे चलो भाई साहब सुमित तुम्हारी टेक गैंग को ज्वाइन करने वाला है। ओ भाई साहब चलो चलो। तो गाइस यार यहाँ पर सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ, मेरे पास है एक यूनिफॉर्म। तो गाइस ये देखो तुम्हारा भाई बन चुका है आज से एक पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल चड्डे फट्टे तगड़ा लग रहा हूँ मैं। और गाइस यार मेरे घर पर कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है देख रहे हो, टप्पे टप्पे में पुलिस वाले खड़े हैं। आओ मेरी टट्टी कौन साफ करेगा? अब इनको बोल दे किसी को, मैं थोड़ी करूंगा अब। सिंचन ये देख तेरा भाई पुलिस वाला बन गया। अरे सुमित बे चाउमीन चाउमीन की ऐसी तैसी। अरे सुमित अब तुमसे एक छोटा सा काम है। मैं कैसा काम? तुम्हें बंदूक चलानी आती है? हाँ हाँ आती है, अब गोली मैं तो दबा के चलाऊं बिल्कुल।
अरे तो एक काम करो, कुछ लोगों को ले जाओ और जाके तुम्हें कुछ गैंग वालों की बैंड बजानी है। गैंग वालों की बैंड बजानी? कैसी बैंड? अरे वाह 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 वाह, ये मजा आ गया, जल्दी सर को जाके बताता हूँ। अरे सर मुझे पता लग गया, मुझे गैंग के बारे में पता लगा जहाँ पर डीलिंग चल रही है। अरे सर, अरे चाउमीन कौन लाएगा? अरे सर एक्चुअली मेरे को अभी पता चला है, रशिया और जर्मनी वालों के बीच में गैंग की डीलिंग हो रही है, और पता चला है उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर भी शामिल है। वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े गोला बारूद की डीलिंग हो रही है, हमें वहाँ पर जाकर रेड मारनी चाहिए, ये एकदम सही मौका होगा। हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रहा था मिस्टर सुमित से, जाइए मिस्टर सुमित आपको यही करना है। ओके तो सर ये मेरा पहला मिशन होने वाला है। हाँ तुम्हारा ये पहला मिशन होने वाला है, दिखा दो कि तुम्हारे अंदर कितना जिगरा है। ओके तो गाइस यार अभी हमारा पहला मिशन है और हम लेके जाने वाले एक खतरनाक वाली गाड़ी जो भी हम लोग लेके आए हैं, और भाई सब देखते हैं इसकी क्या टॉप स्पीड है, क्योंकि यार मेरे को कम से कम 5-6 घंटे दूर जाना है, पर इस गाड़ी से हम लोग 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे क्योंकि इसकी टॉप स्पीड बहुत ज्यादा है। तो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई अकेला जा रहा है मिशन पे, तुम्हारा भाई अकेला शेर बतेरा, समझ रहे हो ना? तो जल्दी पहुंचते लोकेशन पे और वहां पर जाके जो बट्टा बट्ट गोली चाल लेगी ना भाई, जब भी और चाल लेगी जर्मनी और फ्रांस वाला, हमने फ्रांस नहीं था पता नहीं कौन बताए थे, कोई तो थे, हाँ तो मतलब जब गोली चाल लेगी थारा भाई की बटाबट जब भी और चाल जाएगा ना कौन आ रहा है। लेट्स गो गाइस यार, अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पहुंच ले और देखा भाई क्या चाल रहे होता ने। वो भाई ये तो कुछ ज्यादा ही दूर हो गया यार, मेरे को ट्रेवर को फोन मिला के बोलना चाहिए क्योंकि ये ट्रेवर का इलाका है, ट्रेवर को काफी सारी चीजों के बारे में इस साइड की, ठीक है? तो भाई कहां पर है वो जिगा? एक सेकंड में शायद आगे निकल आया, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा वापस। कहां पर था यार मैं तो ध्यान ही नहीं आ रहा, मुर्गा फार्म के पीछे बताया था, ये रहा मुर्गा फार्म। और कहां पर है? हां वो ये आ गया बिल्कुल सही लोकेशन पे आ गए हम लोग, बस यहीं पर ही होना चाहिए। भाई बच गया, अभी किसी को उड़ा देता यार, अभी मैं पुलिस वाला बना था और शुरू में क्राइम कर देता। वो एक सेकंड भाई, ये हेलीकॉप्टर देख रहे हो तुम लोग? भाई ये तो काफी महंगा हेलीकॉप्टर लग रहा है मेरे को, लगता है वो जो डीलिंग की बात कह रहे थे कमिश्नर साहब वो यहीं पर ही हो रही है। गाइस यार ये देख रहे हो तुम लोग, कितना बड़ा मस्त वाला हेलीकॉप्टर है। चलो यार बंदूक निकाल ली यहाँ पर हमने, और देखते भाई सब यहाँ पर कितने लोग होने वाले हैं। धीरे धीरे चलता हूँ, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, भनक लग गई ना कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, खतरनाक सुमित ओपी पुलिस वाला, तो इनकी पैंट फट जाएगी फालतू में। देखते हैं यहाँ पर क्या डीलिंग वीलिंग चल रही है। चलो 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 देखते हैं जल्दी जाके। हे सब, मैंने बोला था कि मेरा जो माल है बिल्कुल कड़क है, बस तुम बताओ कि पैसे कब तक हो जाएंगे। हाय तुम टेंशन मत लो, पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में भजवा दूंगा, पप्पू रामबूटे के ऊपर तुम पूरा भरोसा कर सकते हो। हे तुम्हारा तो नाम भी इतना अजीब है, कैसे तुम्हारे ऊपर भरोसा करूं? ओके तो गाइस यार इनको उड़ाता हूं अब जल्दी से। ये ले और ये ले और तू भी ले, और ये भाई आखिरी बचा है, और भाई क्या हाल है तेरे? तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं पुलिस वाले, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। अबे तू बचेगा तभी तो मेरे को छोड़ेगा, ये ले। अरे अरे जल्दी भगाओ जल्दी भगाओ, हमें जल्दी से पहुंचना है वहां पर, हमें पकड़ना है उनको रंगे हाथों। अरे सर मैं तेजी भगा रहा हूं, बस ये भाग नहीं रही है। अरे थोड़ी और तेज भगाओ, बस पहुंच गए। ये स्किड मार के, अरे क्या कर रहा हूँ, मारे गोगे मेरे को ही। अरे अरे सॉरी सॉरी सुमित, पकड़ लिया तुमने? हाँ सर, आपने बोला था कि इनके जो माफिया को होगा उसको मारना नहीं है, उसको पकड़ना है। अरे यार यही तो चाहिए था, हमने आखिरकार इनके बॉस को पकड़ लिया। अरे भाई साहब तुम्हारा भाई तो है ही खतरनाक। तो गाइस यार मतलब मैंने मेरा जो पहला मिशन किया वो एकदम तेल तरीके से किया है। ओ भाई ये कौन सी मिसाइल से, ये तो काफ़ी बड़ी लग रही है यार, भाई चल जाए तो एक आदि। अरे सुमित उनसे दूर हो जाओ, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मिसाइल से, ऐसे पूछो तो बेग किसको आता है अब उतनी के, चल भोंकना स्टार्ट कर तेरी ऐसी तैसी। अरे ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसके जब चपटे लगे हैं ना पिछवाड़े पे पटापट जब ये बोलेगा। मैं तुम लोगों को देख लूंगा, सबको देख लूंगा मैं, याद रखना मैं दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर हूँ, और मेरे बड़े भाई को पता लगेगा ना जब वो तुम्हारी पैंट फाड़ देगा। अरे क्या बोल रहा है, तेरा बड़ा भाई भी है कोई? अरे लगता है मतलब इसका कोई बड़ा भाई भी है, और उसको भी पकड़ लेंगे हम लोग। पर मैं जाके इन सभी डब्बों को चेक करता हूँ, और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर को चेक करने के लिए, और हेलीकॉप्टर पूरा खाली है, इसका मतलब अभी इन्होंने सामान तो लोड किया नहीं था। पर जैसा कि यार ये जो गैंग का मेंबर ये बोल रहा है कि इसका कोई बड़ा भाई भी है, मतलब हमें उसे कोई भी पकड़ना पड़ेगा अगर हमें शांति बनानी है लॉस सैंटोस के अंदर। और गाइस यार अभी मैं इसको बताऊँ क्या, इसको हम लोग जब्त कर लेंगे इस वाले हेलीकॉप्टर को, फिर तुम्हारा भाई पर्सनल यूज़ में उड़ाया करेगा, इससे मनाली चलेंगे उड़ने के लिए, ठीक है? ओके तो गाइस यार पुलिस वाले ओ बटा तेरी ऐसी तैसी, बच गो यार, मैं तो मनाली जाने के सपने देख रहा था, ये तो फट गया, पर बुरा हुआ यार मेरे साथ। तो गाइस यार अगर आप लोग चाहते हो हम इस वीडियो को सेकंड पार्ट लेके आए तो जल्द बताना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर, और इसके हम धैम पटाई करेंगे बढ़िया वाली, जैसे हमें जवाब देगा। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले बटकर सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए राम राम जी।
मेरा भाई तुम सबको देख लेगा, याद रखना मेरा भाई ब्रिलियंट स्टोरी मैन है। कौन है तेरा भाई? रुक जा, तेरी ऐसी तैसी भूतनी के।